हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनएमडीसी द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के सिलेबस की। इस वीडियो में एनएमडीसी वैकेंसीज के सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, साथ ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। और सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें लगभग 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस टेस्ट में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 मिनट में सबके आंसर देने होंगे। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया, आप वहां पर जाकर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपको ये कोड यूज़ करना होगा जिससे आप इसको अनलॉक कर सकें। इसके लिए आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें आपसे जनरल नॉलेज से 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल तथा रीजनिंग एबिलिटी से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल या फिर मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल या फिर ब्लास्टर ग्रेड सेकेंड ट्रेनी या फिर MCO ग्रेड 1 ट्रेनी की बात करें तो इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पहले पार्ट में आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, और दूसरे पार्ट में आपसे जनरल नॉलेज से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल तथा रीजनिंग एबिलिटी से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें तो रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो है SC ST PWD कैटेगरी में कम से कम 40 नंबर लाने होंगे, वहीं पर OBC नॉन क्रीमी लेयर को 45 नंबर लाने होंगे और अनरिजर्व तथा EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 50 नंबर लाने होंगे। अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल नॉलेज की। इसमें आपसे बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन पार्लियामेंट तथा बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेमस बुक्स और ऑथर्स के नेम पूछे जाएंगे, जूलॉजी और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेमस डेज और डेट्स के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन कल्चर तथा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपसे पजल तथा डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा सफिशेंसी और वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।